अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत नाखुशगवार वाक्य के बारे में है, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामी दुनिया के अजीम हीरो अर्तुगरुल गाजी की वफात के बारे में। गुज़श्ता 6 सालों से कमोपेश सभी बरआज़मों में देखा जाने वाला मकबूल तरीन किरदार अर्तुगरुल गाजी का इख्तिताम हो गया। इस किरदार ने मुसलमानों के अंदर गैर महसूस अंदाज में बहुत मुस्बत एहसास को जन्म दिया। अपने ताबनाक माजी को पहले सिर्फ अल्फाज की सूरत में सुना था, मगर इस सीरीज़ ने इस अजीम तारीख को मुजस्म शक्ल में सामने ला खड़ा किया और 21वीं सदी के नौजवान को इनके साथ जीने का मौका फराहम कर दिया। अर्तुगरुल ने शजर ममनू बनते लफ्ज़ जिहाद को फिर से जिंदा कर दिया, इस पर फ़ख्र करना सिखा दिया, अपनी तहजीब और इस्लामी रिवायत की अहमियत से उजागर किया, रोशनास करवाया कि इस्लामी कल्चर किस शय का नाम है। एक सिपहसालार और हुक्मरान की बहादुरी, दलेरी, विजन और दूरंदेशी के फवायद समझा दिए। इस सीरीज़ ने सिखाया कि दुश्मन कितना ही मजबूत हो, इसके सामने डटे रहना ही असल कामयाबी है। नाकामियों को मवाकों और मवाकों को कामयाबों में बदलने का तरीका और हौसला पैदा करना बता दिया। ये किरदार शिकस्त में तौबा और फतह में इनकसारी का जौहर दे गया। अर्तुगरुल ने समझा दिया कि शहादत कितनी अजीम शय है, इसका मतलब कितना महसूर कौन एहसास है। इस किरदार ने अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत रखने और हर अमल को सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर करने का असलूब दिखाया है। सीधे रास्ते पर चलते रहो, ख्वाह सारी दुनिया और ख़ानदान मुकाबिल खड़ा ही क्यों ना हो जाए। जीने मरने और जीते जहद को अल्लाह से मंसूब करने का सलीका बताकर चला गया। सिर्फ ड्रामा देखकर इतना जज्बा पैदा हो गया कि इस किरदार से भी इश्क हो गया। हकीकत में होता तो क्या समा होता। बामसी और अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल से वफादारी, लगाव और मोहब्बत में वाकई हक बजानब थे। इस ड्रामे ने मुसलमानों को राह दिखाई कि ड्रामा इंडस्ट्री और फनूनी लतीफ़ा को इस तरह मुस्बत अंदाज से भी पेश किया जा सकता है और अवाम की पसंदीदगी ने भी गैर मामूली होने का यकीन दिला दिया। इसमें ट्रेजिडी भी थी, मजा और इंजॉयमेंट का समा भी था और बामकसद पैगाम भी था। अर्तुगरुल गाजी ने जहनों पर अनमिट नकोश छोड़े हैं जो शायद ही आसानी से ख़त्म हों। सलजान खातून ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अर्तुगरुल गाजी को बयान करने के लिए अल्फाज ही मैसर नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह सोगोत में गाजी अर्तुगरुल की कब्र पर अपनी करोड़ों रामते नाजिल फरमाए और मुसलमानों को एक मरतबा फिर खिलाफत उस्मानिया जैसा खूबसूरत निज़ाम कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं काई मीडिया की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।